Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will see the flow chart of the water treatment plant, unit operation and unit processes involved in the water treatment plant, and the flow chart of water treatment plant for the different sources of water. So let's start. This is a typical layout of a water treatment plant. So सबसे पहले जो मेन पार्ट रहता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का वो रहता है सोर्स सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है वो देखना पड़ता है। अगर सोर्स ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो वाटर की जो क्वालिटी है वाटर की सॉरी सोर्स ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट यूनिट प्रोवाइड करना पड़ेंगे, या फिर वाटर की जो क्वालिटी है वाटर की क्वालिटी पे से हम डिसाइड करते हैं कि जो वाटर है वो वाटर में कौन कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, हार्डनेस ज्यादा है, टीडीएस ज्यादा है, या सस्पेंडेड सॉलिड ज्यादा है, या फ्लोराइड ज्यादा है तो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट यूनिट जो है वो ट्रीटमेंट यूनिट प्रोवाइड करते हैं। फ्लोटिंग मैटर ज्यादा है तो अलग ट्रीटमेंट यूनिट लगेगा। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट यूनिट्स या फिर जो कुछ ट्रीटमेंट यूनिट्स है वो हमें हम प्रोवाइड करते हैं। तो सपोज इधर जनरली जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहता है वो जनरली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेंगे उसे, तो वो एक तो अगर सरफेस वाटर रहेगा तो ही उसे उसके लिए ही प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो रहता है ग्राउंड वाटर में इम्प्योरिटीज कम रहती है, और ग्राउंड वाटर की जो इम्प्योरिटीज रहती है उसमें सिर्फ माइक्रोबियम्स रहेंगे या फिर टीडीएस जो ज्यादा रहेगा, इसलिए सभी यूनिट जो कन्वेंशनल वाटर प्लांट में वो प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी टर्बिडिटी जो रहती है टर्बिडिटी ग्राउंड वाटर की लेस रहती है। इसीलिए जनरली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो फ्लो चार्ट रहेगा कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का वो एक तो सरफेस वाटर रहेगा, सरफेस वाटर में रहेगा लेक आएगा, पॉन्ड आएगा, रिवर आएगा, तो वहाँ से वाटर क्या किया जाएगा इंटेक स्ट्रक्चर के थ्रू, इधर इंटेक स्ट्रक्चर रिवर या वाटर सोर्स ऑफ वाटर के पास एक इंटेक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वहां से ही वाटर क्या किया जाता है पंप किया जाता है। फिर वहां से पंप होते समय जो वाटर है वो वाटर को अंडरग्राउंड वाटर में या फिर एक रिजर्वायर में क्या किया जाता है स्टोर किया जाता है, लो लिफ्ट पंप वेल भी बोल सकते हैं, सम वेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जब स्टोर करने से पहले अब हमें पता है रिवर है या लेक है पॉन्ड है तो उसमें फ्लोटिंग मैटर ज्यादा रहेंगे, लार्जर सस्पेंडेड सॉलिड लार्जर पार्टिकल ज्यादा रहेंगे या डेब्रिज ज्यादा रहेंगे, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब वो रिमूव करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्क्रीन स्पॉट इधर क्या प्रोवाइड की जाए, प्रोटेक्टिंग बार स्क्रीन, इंक्लाइन बार स्क्रीन प्रोवाइड किया जाए, सपोज इस टाइप की फ्रेम है तो यहाँ पे स्क्रीन प्रोवाइड किया जाए, बार्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और जब वाटर फ्लो होता है इसमें से तो वाटर क्या होता है इसमें से वाटर ही फ्लो होता है, जो लार्जर साइज के पार्टिकल रहते हैं लार्जर साइज के पार्टिकल ये स्क्रीन पे क्या हो जाते हैं अटैच हो जाते हैं। तो उस स्क्रीन का यही फंक्शन यही पर्पज है कि जो लार्जर साइज के पार्टिकल्स है सस्पेंडेड सॉलिड फ्लोटिंग मैटर से डेब्रीज है उन्हें क्या करना है रिमूव करना। फिर उसके बाद में ट्रैवलिंग वाटर स्क्रीन, ट्रैवलिंग वाटर स्क्रीन भी एक स्क्रीनिंग का ही पार्ट है, उसमें भी वही किया जाता है कि जो फ्लोटिंग मैटर है वो रिमूव, लेकिन इधर जो है अब ये प्रोटेक्टिंग बार स्क्रीन नहीं, यहाँ पर हमें जो रिमूवल करना है जो फ्लोटिंग मैटर्स ढेर हो गए इधर अटैच हो गए उसे हम मैकेनिकली क्या कर सकते हैं मैन्युअली क्या कर सकते हैं हम उसे मैन्युअली हम उसे क्लीन कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग वाटर स्क्रीन में क्या रहता है वो ऑटोमेटिकली होता है, उधर मिनिमम मेंटेनेंस लगता है, इसलिए जनरली एक ही प्रोवाइड करते हैं, एक तो प्रोटेक्टिंग बार स्क्रीन या फिर ये कई कई जगह ड्रम स्क्रीनिंग भी प्रोवाइड की गई, लेकिन इधर दो प्रोवाइड किए गए ये फ्लो चार्ट में, ठीक। तो अब क्या हुआ कि फ्लोटिंग मैटर लार्जर सस्पेंड लार्जर पार्टिकल जो वो रिमूव हो गया, अब वाटर में जो है रिवर वाटर देखाएंगे आपने कि वो ब्राउन कलर का दिखता है, ब्राउन कलर का दिखता है उसका जो कलर है तो वो सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से रहता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से वो ब्राउन दिखता है, वो सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स रहेंगे, मीडियम साइज के सस्पेंडेड सॉलिड रहेंगे, लार्जर साइज के सस्पेंडेड सॉलिड रहेंगे, कोलाइडल सॉलिड्स रहेंगे, ये हमें क्या करना है रिमूव करना, और वो रिमूव करने के लिए ही आज के जो ट्रीटमेंट यूनिट्स है वो ट्रीटमेंट यूनिट्स क्या किए गए हैं प्रोवाइड किए गए। तो अब इस पंप वेल में क्या है वाटर जो है वाटर स्टोर करके रखा है, इधर वाटर स्टोर करके रखा यहाँ से कॉन्स्टेंट रेट से ही पूरे ट्रीटमेंट प्लांट को वाटर क्या किया जा रहा है सप्लाई किया गया। अब इसके बाद जो वाटर है वाटर देखिए कहाँ जा रहा है, इसके बाद वाटर जा रहा है एक है प्री क्लोरिनेशन यूनिट, इधर क्या है प्री क्लोरिनेशन यूनिट, जनरली एक ही क्लोरिनेशन यूनिट प्रोवाइड करते हैं, अगर वाटर की रॉ वाटर बोलते जो हमने सोर्स है उसे रॉ वाटर कहते हैं क्योंकि वो अनट्रीटेड वाटर है,
अगर रॉ वाटर में माइक्रोबियल्स बैक्टीरिया वायरसेस का कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ज्यादा है तो उस समय क्या किया जाता है, प्री क्लोरिनेशन किया जाता है, नहीं तो आगे की जो ट्रीटमेंट यूनिट्स रहते हैं वो आगे के ट्रीटमेंट यूनिट्स पे उसका इम्पैक्ट होता है, इसलिए प्री क्लोरिनेशन से उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो प्री क्लोरिनेशन का ये फंक्शन है। अब इधर प्री क्लोरिनेशन क्यों बोला गया, क्योंकि दो क्लोरिनेशन, दो बार क्लोरिनेशन किया गया होगा इसलिए प्री क्लोरिनेशन है, पोस्ट क्लोरिनेशन इसे डबल क्लोरिनेशन भी कहा जाता है। तो क्लोरिनेशन का एक ही क्लोरिनेशन है ना, डिसइंफेक्शन का एक टाइप है क्लोरिनेशन। तो क्लोरिनेशन से क्या करते हैं कि जो माइक्रोबियल्स वायरसेस बैक्टीरिया है उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है क्लोरिनेशन में। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं हम, जो क्योंकि आगे जो कोगुलेशन प्रोसेस है वो कोगुलेशन प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल्स ऐड करने पड़ते हैं। तो ऐसे चांसेस रह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है माइक्रोबियम सब वो केमिकल, जब केमिकल खा जाए कंज्यूम कर जाए तो उस वजह से केमिकल की रिक्वायरमेंट जो वो ज्यादा लग सकते हैं, इसीलिए भी प्री क्लोरिनेशन क्या है किया जाता है। अब माइक्रोबियम्स रिमूव कर, फाइन लार्ज और मीडियम साइज के सस्पेंडेड सॉलिड्स को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। कौन कौन से, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड, मीडियम साइज सस्पेंडेड सॉलिड एंड लार्जर साइज सस्पेंडेड सॉलिड। अभी जो लार्जर साइज के सस्पेंडेड सॉलिड्स है, ये लार्जर साइज के सस्पेंडेड सॉलिड्स का जो वेट रहता है ज्यादा रहता है, साइज रहती है ज्यादा रहती है, इसीलिए ये सेडिमेंटेशन टैंक में, इसीलिए सेडिमेंटेशन टैंक में इजीली सेटल हो जाते हैं, इसलिए सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है इजीली सेट हो जाते हैं। लेकिन जो मीडियम साइज के सस्पेंडेड सॉलिड्स है और फाइन सॉलिड्स है, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, वेट कम है, साइज कम है, तो उस वजह से इन्हें सेटल होने को टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और उतना टाइम हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर ज्यादा ट्रीटमेंट, ज्यादा टाइम प्रोवाइड किया तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा, उस वजह से क्या होगा कि हम ज्यादा वाटर ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या कर सकते करते हैं कि सेडिमेंटेशन की जो प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन की जो प्रोसेस है, वो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। वो फास्ट किस वजह से होती है, केमिकल्स ऐड करने से। केमिकल्स ऐड करने से जो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन की वो फास्ट होती है। वो कैसे होती है वो मैं अभी कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन बताऊँ। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा भी वाटर में का ऐसा कौन सा भी सस्पेंडेड सॉलिड नहीं है जो सेटल नहीं होता है। सभी सस्पेंडेड सॉलिड जो है वाटर में के वो सेटल होते हैं। लार्ज रहने दो, मीडियम रहने दो, फाइन रहने दो, वेरी फाइन रहने दो, वो सेटल होती है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड जल्दी सेटल होंगी, मीडियम को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, फाइन को थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा, और वेरी फाइन को और ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए और ज्यादा टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल कि जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हमारे घर में जब पानी आता है, ड्रिंकिंग वाटर जो आता है, तो थोड़ा सा जब वो टर्बिड दिखता है, थोड़ा सा कलर अलग दिखता है। जब हम वेसल में कलेक्ट करते हैं तो जब कुछ फर्क नहीं रहा, लेकिन उसमें पानी भरने के बाद हम 6-8 घंटे के बाद देखते हैं तो बॉटम में एक फाइन लेयर जो वो मड की फाइन लेयर या सिल्ट की जो फाइन लेयर वो दिखेगी। थी वो, इसका रीजन ये है कि जो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स थे वो बराबर दिख भी नहीं रहे थे हमारे को, लेकिन बाद में 6-7 घंटे के बाद में वो क्या हो गया, सेटल हो गया। तो सेडिमेंटेशन टैंक को अगर हमने इतना टाइम प्रोवाइड किया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो बाकी के ट्रीटमेंट को कितना टाइम प्रोवाइड करेंगे। इसलिए जनरली केमिकल असिस्टेड सेडिमेंटेशन किया जाता है। केमिकल असिस्टेड सेडिमेंटेशन में केमिकल्स ऐड करने के बाद सेडिमेंटेशन किया जाता है। प्लेन सेडिमेंटेशन यानी जो सेडिमेंटेशन में सिर्फ विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी सेडिमेंटेशन, और उसे प्लेन सेडिमेंटेशन कहा जाता है। केमिकल असिस्टेड सेडिमेंटेशन में केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, यानी कि कोगुलेंट ऐड किए जाते हैं। तो मैं इतना क्लियर कर देता हूँ। अब क्या है कि केमिकल्स ऐड करने हैं, कोगुलेंट्स ऐड करने हैं। अब कोगुलेंट जो ऐड करने हैं, कोगुलेंट जो ऐड करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोगुलेंट, जैसे फेरिक सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है, जिसे हम अलम बोलते हैं, टूटी आपने सुना होगा। ठीक है, या फिर पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड है, पॉलीमर्स है, या फिर नेचुरल कोगुलेंट्स भी है, जैसे मोरिंगा और ओलेफरा जो सीड, वो सीड्स जो आती है शेंगा जो रहती है उसकी जो सीड्स रहती है, उसके सीड से भी क्या किया जाता है कि कोगुलेंट्स बनाए जाते हैं, नेचुरल कोगुलेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये केमिकल्स ऐड किया गया। अब जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट ले, फॉर एग्जांपल हर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, मैक्सिमम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एल्युमिनियम सल्फेट जो है वो यूज किया जाता है एज अ कोगुलेंट। तो जो एल्युमिनियम सल्फेट है, ये एल्युमिनियम सल्फेट की जो रिएक्शन रहती है वाटर के साथ, ये एल्युमिनियम सल्फेट की रिएक्शन वाटर के साथ बहुत फास्ट रहती है, क्विक रिएक्शन होती है वो वाटर के साथ। तो
उसी वजह से जब हम केमिकल्स ऐड करते हैं, यानी कि कोगुलेशन प्रोसेस, कोगुलेशन प्रोसेस में इट इज द एडिशन ऑफ कोगुलेंट्स और इट इज द एडिशन ऑफ केमिकल्स इन द वाटर, ठीक है। तो ये जो कोगुलेशन प्रोसेस करते हैं, यानी केमिकल्स ऐड करते हैं, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा कि जो केमिकल और प्रॉपरली मिक्स हो जाए बेसिन में, जो टैंक में, वो टैंक में प्रॉपरली केमिकल क्या है मिक्स हो जाए, हर एक कोने तक वाटर केमिकल क्या जाए पहुंचे। तो इसीलिए जो ब्लेड्स प्रोवाइड किए गए थे, इधर मिक्सिंग डिवाइस जो प्रोवाइड किया गया, एजिटेशन डिवाइस जो प्रोवाइड किया, उसकी जो स्पीड रखी जाती है बहुत ज़्यादा रखी जाती है, इसलिए उसे रैपिड मिक्सिंग प्रोवाइड किया जाता है, उसे रैपिड मिक्सिंग प्रोवाइड किया जाता है। और कोगुलेशन यूनिट को रैपिड मिक्सर भी किया जाता है या फिर कोगुलेशन यूनिट भी, क्योंकि उधर रैपिड मिक्सिंग एकदम फास्ट मिक्सिंग की जाती है, 100 to 120 RPM से जो रिवॉल्यूशन पर मिनट से क्या कितना पड़ता है, ये जो ब्लेड्स रहने वाले हैं इसके, जो मिक्सिंग डिवाइस है उसके, उतने स्पीड से क्या करने पड़ते हैं हमें रोटेट करने पड़ते हैं। इसी उस वजह से क्या होता है कि जो केमिकल है कोगुलेंट है वो इजीली हर कोने तक क्या हो जाता है पहुंच जाता है, नहीं तो क्या होता है कि वो प्रॉपर में प्रॉपर हर एक कोने में नहीं पहुंचे तो डेड पॉकेट्स बनेंगे। डेड पॉकेट्स हैं जहाँ पर एलम जो है या फिर हमारा जो कोगुलेंट है वो नहीं पहुंचा, वहां पर क्या हो जाएगा उसे डेड पॉकेट्स कहेंगे, क्योंकि उनकी रिएक्शन नहीं होती है। तो इसका फंक्शन क्या रहता है केमिकल्स का, शॉर्ट में बताता हूँ, बाद में हम कोगुलेशन प्रोपुलेशन को तो बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, शॉर्ट में बताता हूँ। कोगुलेशन में क्या होता है कि जो अनस्टेबल सस्पेंडेड सॉलिड रहते हैं या फिर जिन पे चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है जनरली, तो वो निगेटिव चार्ज क्या किया जाता है, अब अगर सपोज दो पार्टिकल है, दो सस्पेंडेड पार्टिकल है, वो दोनों सस्पेंडेड पार्टिकल पे निगेटिव चार्ज है, हमें पता है कि निगेटिव निगेटिव कैन नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये जो है अब ये कब अट्रैक्ट करेंगे, एक तो इनका चार्ज अपोजिट होगा या फिर इनका चार्ज जो है वो न्यूट्रल होगा, तभी अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब इसे हम पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे दोनों को, या फिर इसको न्यूट्रल कर, पॉजिटिव कर दिया दोनों को, तो क्या हो जाएगा कि फिर से रिपल्शन होगा। इसलिए क्या किया था, इसका जो चार्ज है इसका चार्ज न्यूट्रल किया जाता है, डिस्टेबलाइज किया जाता है पार्टिकल को, इस वजह से होता है कि वो अट्रैक्ट हो सके एक मेक को, यानी स्मॉलर स्मॉलर साइज के जो पार्टिकल है, दो स्मॉलर साइज के पार्टिकल अगर अट्रैक्ट हो गए तो बड़ा साइज का पार्टिकल फॉर्म करेंगे, और बड़ा साइज का पार्टिकल अगर फॉर्म हो गया तो वो सेडिमेंटेशन में इजिली क्या होगा, सेटल होगा। तो ये एक्चुअली कोगुलेशन में किया जाता है। अब कोगुलेशन में क्या किया जाता है कि सिर्फ जो चार्ज है इस पे का जो चार्ज रहता है पार्टिकल, सपोज पार्टिकल है, पार्टिकल पे निगेटिव चार्ज है, पार्टिकल पे का निगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज किया जाता है, यानी उस पर कोई चार्ज रखा नहीं जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अब चार्ज नहीं, अब हमें क्या करना है, इसे दो तीन पार्टिकल्स को नजदीक ला के अट्रैक्ट करके बड़ा पार्टिकल बनाना है, ठीक है। दो मिनट, बड़ा पार्टिकल बनाने के लिए हमें उन्हें नजदीक लाना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा कोगुलेशन में हमने क्या कर दिया, चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया, या नजदीक लाने होने बड़ा पार्टिकल बने, तो उसका काम क्या कौन करता है, फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन में जो मिक्सिंग की जाती है वो स्लो मिक्सिंग की जाती है, ठीक है। और फ्लोकुलेशन में स्लो मिक्सिंग की जाती है, आगे बताता हूँ मैं थोड़ी देर से, ठीक। और फ्लोकुलेशन क्या रहता है कि स्मॉलर देन टू और मोर स्मॉलर साइज सस्पेंडेड सॉलिड और पार्टिकल्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल, ठीक है। एंड दैट लार्जर पार्टिकल इज कॉल्ड एज फ्लॉक्स। अब वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्लोकुलेशन, है ना। जब दो तीन छोटे छोटे पार्टिकल्स एक मिनट को अट्रैक्ट करके बड़ा साइज का जो पार्टिकल बनाते हैं, वो बड़े साइज के पार्टिकल को क्या कहा जाता है, फ्लॉक्स कहा जाता है। वो पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्लोकुलेशन। अब बड़ा साइज का पार्टिकल क्यों बनाना है, आपको पता है बड़ा साइज का पार्टिकल इसीलिए बनाना है कि वो सेडिमेंटेशन में इजिली सेटल हो। छोटे साइज का पार्टिकल रहेगा तो इजिली सेटल नहीं होगा, बड़े साइज का रहेगा तो वो इजिली क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। अब इधर देखिए, ये टैंक है सपोज हमारा, तो ये टैंक में अगर हमने रैपिड मिक्सिंग कर दिया, फ्लोकुलेशन टैंक में भी रैपिड मिक्सिंग किया, तो सपोज दो पार्टिकल है जिन पे चार्ज पहले निगेटिव था, बाद में क्या कर दिया हमने, उनपे का चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। उनपे का चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया, अब जो चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया, अब हमने रैपिड मिक्सिंग प्रोवाइड किया, सपोज इन दोनों को रैपिड मिक्सिंग प्रोवाइड किया, तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी। अब क्योंकि बहुत स्पीड से क्या हो रहा है, वाटर मिक्स हो रहा है, तो उनकी वेलोसिटी भी ज़्यादा रहेगी। ये एक मिक के नज़दीक आएंगे तो ज़रूर, लेकिन क्या है कि जब ये एक मिक के नज़दीक आएंगे, दोनों की वेलोसिटी ज़्यादा रहने की वजह से क्या होगा कि ये बम्बार्ड हो जाएंगे, यानी एक मिक क्या पाएंगे, फिर थर्ड लॉ के अनुसार न्यूटन के जो रिएक्शन अपोजिट रिएक्शन, उस वजह से क्या होगा कि
अट्रैक्ट होने के बाद वो फिर से रिपेल हो जाएंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा रैपिड मिक्सिंग प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इधर स्लो मिक्सिंग प्रोवाइड करना। स्लो मिक्सिंग में क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, दो पार्टिकल को क्या करना है, दो पार्टिकल को नज़दीक लाना है, नज़दीक लाने के बाद वो अट्रैक्ट हो जाएंगे एक मिनट के, क्योंकि केमिकल जो रहता है थोड़ा जिलेटियस रहता है, थोड़ा चिकट रहता है, उस वजह से भी अट्रैक्शन हो जाता है। तो फ्लोकुलेशन का, फ्लोकुलेशन में स्लो मिक्सिंग का यही पर्पज़ है। अब इसका जो डिज़ाइन है कोगुलेशन यूनिट, फ्लोकुलेशन यूनिट का, इसका भी डिज़ाइन हम देखेंगे डिटेल में, पैडल्स कितने लगने वाले हैं, टाइम कितना रहने वाला है वाटर में, या वाटर ये यूनिट्स में टाइम कितना लगने वाला है। और एक बात बताने रहेगा कि जैसे कोगुलेशन बताया था मैंने आपको कि जो फ्लोकुलेशन, सॉरी कोगुलेशन बताया था मैंने आपको कि जो रोटेशन है जो मिक्सिंग किया था वो 100 to 120 आरपीएम से किया था, इधर जो आरपीएम प्रोवाइड किया था वो 10 to 30 आरपीएम से प्रोवाइड किया था, जो मिक्सिंग है 10 to 30 आरपीएम प्रोवाइड किया था, 10 to 30 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अब क्या हुआ कि जो हमारे स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स थे वो स्मॉलर साइज के पार्टिकल अब स्मॉलर साइज के पार्टिकल नहीं रहे, वो लार्जर साइज के पार्टिकल्स बन गए। अब लार्जर साइज के पार्टिकल्स बन गए यानी कि उसके बाद वाटर कहाँ जा रहा है, सेडिमेंटेशन टैंक में। अब वाटर सेडिमेंटेशन टैंक में जा रहे हैं, लार्जर साइज के पार्टिकल है, स्मॉलर साइज के पार्टिकल नहीं, तो सेडिमेंटेशन क्या होगा, इजीली होगा। सेडिमेंटेशन क्या होगा, इजीली सब पार्टिकल्स क्या होंगे, सभी पार्टिकल्स सेटल होंगे और फास्ट सेटल होंगे, क्योंकि उनकी सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। सेटलिंग वेलोसिटी क्यों ज़्यादा रहेगी, उनका वेट ज़्यादा है। वेट क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमने स्मॉलर स्मॉलर साइज के पार्टिकल को कंबाइन करके एक बड़ा साइज का पार्टिकल बनाया, उसका वेट ज़्यादा है इसीलिए, तो सेटल हो जाएंगे। सेटल होने के बाद बॉटम में क्या करेंगे, बॉटम में स्लज, सेडिमेंटेशन टैंक के बॉटम में क्या करेंगे, स्लज फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब इधर एक और एक ट्रीटमेंट यूनिट प्रोवाइड किया गया है, जो स्लज होता है, स्लज है उसे हम चिकल चिकल जो बोलते हैं वो, तो वो रिमूव करना पड़ता है हमें। अब सभी पार्टिकल सेटल होने के बाद वो बॉटम में सेटल होंगे सेडिमेंटेशन में, इधर एक स्लज डाइजेस्टर या फिर वाटर क्या बोलते हैं, स्लज डाइजेशन या स्लज थिकनर जो ट्रीटमेंट यूनिट में प्रोवाइड किया था वो प्रोवाइड किया था, इधर दिखाया नहीं, ये फ्लो चार्ट में दिखाया नहीं गया, लेकिन वो जो स्लज रहता है वाटर में का सेडिमेंटेशन टाइम का जो स्लज है, उस स्लज को ट्रीट किया था उस स्लज थिकनर में, स्लज डाइजेस्टर में, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट यूनिट से स्लज देना है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, इसलिए मैं वो ज़्यादा डिटेल में अभी भी नहीं आता और आगे भी नहीं आएंगे, वो हम वाटर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 में डिटेल में देखेंगे। तो ये सेडिमेंटेशन टैंक का पर्पज। अब इधर क्या हुआ, लार्जर साइज मैक्सिमम रिमूवल जो है वो इधर हो गया, लेकिन क्या है, जो हमने कोगुलेशन किया है, फ्लोकुलेशन किया है और सेडिमेंटेशन किया है, अब उसकी इफिशियंसी 100% तो नहीं रहेंगी, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन सेडिमेंटेशन, तो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स जो रहेंगे, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन की इफिशियंसी 100% नहीं रहेंगी, कुछ ना कुछ परसेंटेज में फाइन सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो वाटर में ही प्रेजेंट रहेगा, पर कुछ फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या है, वाटर में ही प्रेजेंट रहेगा। हाँ, वो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स को हमें रिमूव करना है, वो सेडिमेंटेशन में भी रिमूव नहीं है, क्योंकि उनपे कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन इफेक्टिव नहीं है, इसलिए वो सेडिमेंटेशन फ्लोकुलेशन कोगुलेशन की वजह से रिमूव नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं उसके बाद एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है सैंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब सैंड फिल्ट्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, ग्रेविटी फिल्टर विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी अगर फिल्ट्रेशन करते, ग्रेविटी प्रेशर फिल्टर, प्रेशर प्रोवाइड करके पंप्स के थ्रू अगर फिल्ट्रेशन किया तो प्रेशर फिल्टर, फिर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन भी आता है जो आपने सुना होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सब क्या मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है। देन और एक सिंगल मीडिया फिल्टर, डीएल मीडिया फिल्टर, सिंगल मीडिया फिल्टर में एक ही मीडिया यूज किया जाए, सैंड ग्रेवल एक ही है, सॉइल से आते हैं इसलिए एक ही मीडिया यूज करता है। डीएल मीडिया फिल्टर में के दो मीडिया यूज किए गए, जैसे इधर देखिए सैंड और ग्रेवल, एक ही ये एक मीडिया यूज किया गया है और दूसरा जो मीडिया यूज किया गया है एंथ्रासाइट कोल, जो एंथ्रासाइट कोल है जो पत्थर का जो कोयला रहता है उसे हम एंथ्रासाइट कोल बोलते हैं। ठीक है, वो भी प्रोसेस के थ्रू उसके बाद में प्रोसेस पल्वराइजेशन उसके बाद में प्रोसेस की जाती है, उसके बाद में एंथ्रासाइट कोल जो वो सैंड फिल्ट्रेशन के लिए बनाया जाता है। तो इधर क्या है, ये सैंड फिल्ट्रेशन में दो मीडिया यूज किए गए, इसलिए इसे ड्यूअल मीडिया फिल्टर भी कहा गया है। तो ये जो सैंड फिल्टर है, एंथ्रासाइट कोल है, ग्रेवल है, ये क्लोजली पैक्ड रहते हैं, क्लोजली क्या रहते हैं, पैक्ड रहते हैं इस प्रकार। अब इनकी जो इसमें से जब हम वाटर पास करते हैं, तो वाटर जब पास करने के बाद इसमें से वाटर तो इजीली पास होने जाएंगे, जो वॉइड्स रहेंगे सैंड और एंथ्रासाइट और ग्रेवल के बीच में, ग्रेवल तो
रिमोल की यूज नहीं किया था, सैंड और एंथ्रेसाइट ही रिमोल के लिए यूज किया था। ग्रेवल जो रहता है वो बेस मटेरियल रहता है, तो सैंड और एंथ्रेसाइट कोल के बारे में बात ज्यादा बात करेंगे। तो सैंड जो है वो सैंड के बीच में क्या है कि वॉइड्स रहेंगे, वो वॉइड्स ज्यादा भी रह सकते कम भी रह सकते डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ सैंड एंड साइज ऑफ एंथ्रेसाइट कोल, ठीक है। तो उसमें से जो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स है, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड वही पास होंगे जिनकी साइज वो वॉइड के साइज से क्या है कम है। जो जो पार्टिकल की साइज वो वॉइड के साइज से ज्यादा है वो क्या हो जाएंगे, उधर ही अटैच हो जाएंगे। और नीचे से जो वाटर मिलेगा हमें, बॉटम से जो वाटर मिलेगा, सैंड फिल्टर के बॉटम से जो वाटर मिलेगा, वो वाटर क्या रहेगा, फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड और उसमें लेस सस्पेंडेड सॉलिड रहेंगे। अब सस्पेंडेड सॉलिड जो जब हमने वाटर क्वालिटी पैरामीटर में देखा कि सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ट्रीटमेंट यूनिट्स है, और सॉरी एक वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, उसे हम बोलते हैं टर्बिडिटी। टर्बिडिटी सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो रैपिड सैंड ये सब ट्रीटमेंट यूनिट प्रोवाइड करने मत, कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, रैपिड सैंड फिल्टर या सैंड फिल्टर। उसके बाद जो वाटर की जो क्वालिटी आती है इन टर्म्स ऑफ क्या बोलूँ, इन टर्म्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स है नहीं, या फिर इन टर्म्स ऑफ टर्बिडिटी वो बहुत अच्छी रहती है। उसकी जो टर्बिडिटी आती है लेस देन 1 NTU आती है, 0.2, 0.3, 0.4 ये रेंज में आती है। और वाटर क्वालिटी पैरामीटर के हिसाब से जो टर्बिडिटी के जो स्टैंडर्ड्स है वो टर्बिडिटी के स्टैंडर्ड से लेस देन 1 NTU। इसीलिए जो हमारा वाटर वाटर जो मिलेगा हमें रैपिड सैंड फिल्टर के बाद वो ड्रिंकेबल रहेगा एज फार एज टर्बिडिटी इज कंसर्न। ओके, तो अब हमने फाइन सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव कर दिए, लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड, मीडियम सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव कर दिए, जितने रिमूव करना था हमें उतने रिमूव कर दिए। अब उसके बाद में है कि यहाँ कोई भी प्रोसेस के बीच में अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह, माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस अगर ऐड होंगे या फिर प्री क्लोरिनेशन में पूरी तरह से इफेक्टिवली रिमूव नहीं हुए होंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर से क्या करना पड़ता है, वाटर को जो है वो क्लोरिनेशन करना पड़ता है। उसे कहा जाता है पोस्ट क्लोरिनेशन में, ट्रीटमेंट के बाद क्लोरिनेशन को कहा जाता है पोस्ट क्लोरिनेशन। ट्रीटमेंट के जो पहले हमने क्लोरिनेशन किया उसे हम प्री क्लोरिनेशन बोलते हैं, और इन दोनों को कंबाइन में कलेक्टिवली डबल क्लोरिनेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो रैपिड सैंड फिल्टर के बाद जो एफ्लुएंट आता है, ठीक है, जो फिल्ट्रेट आता है, वो फिल्ट्रेट को हम क्या करेंगे, क्लोरिनेशन प्रोवाइड करेंगे। एक सैंपल रहता है, उसके बाद स्टोरेज टैंक रहता है, उसके बाद हम क्या करते हैं क्लोरिनेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लोरिनेशन क्या करते हैं, तो क्लोरिनेशन के जो डिसइंफेक्शन के जो टाइप है, किस किस कौन कौन से टाइप के थ्रू या फिर कौन कौन से वेज में हम डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, वो एक सिंपल वे क्लोरिनेशन, क्लोरिन या ब्लीचिंग पाउडर डायरेक्टली ऐड किया जाता है वाटर में, उस हिसाब से हम क्या करते हैं क्लोरिनेशन यानी कि डिसइंफेक्शन करते हैं। अदर मेथड्स जो है वो डिसइंफेक्शन के, वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास करके, जैसे आपने स्मॉल वाटर प्यूरीफायर, घर में जो वाटर प्यूरीफायर है तो उसमें देखेंगे यूवी लिखा रहता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू क्या किया जाता है कि वाटर का डिसइंफेक्शन किया जाता है। या फिर ओजोन, ओजोन ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाती है, ऑक्सीजन सॉरी O3 जो गैस है O3 को पास किया जाता है, उस वजह से भी क्या रहता है कि जो डिसइंफेक्शन है वाटर का डिसइंफेक्शन किया जाता है। अदर केमिकल मेथड्स भी है जो प्रोवाइड की जाती है, मैंने जो कॉमनली यूज डिसइंफेक्शन मेथड्स है, कॉमनली यूज डिसइंफेक्शन मेथड जो है वो आपको बताइए। उसके बाद में एक ट्रीटमेंट यूनिट रहता है जिसका नाम है फ्लोरिडेशन और डीफ्लोरिडेशन। अभी तो देखिए फ्लोरिडेशन लिखे हुआ है और एक डीफ्लोरिडेशन भी रहता है। फ्लोरिडेशन डीफ्लोरिडेशन क्या रहता है बताओ, वाटर जो है वो वाटर में फ्लोराइड का परसेंटेज अगर ज्यादा है, वाटर जो रॉ वाटर है हमारा, वो रॉ वाटर जो है वो रॉ वाटर में फ्लोराइड, और फ्लोराइड जो है वो डिजोल्व सॉल्ट है, ओके सॉरी फ्लोराइड जो है वो डिजोल्व इम्प्योरिटी है, डिजोल्व सॉलिड से, और वो फ्लोराइड यहाँ अभी तक के जितने भी ट्रीटमेंट यूनिट्स हमने सीखे हैं उसमें कहीं भी फ्लोराइड जो वो रिमूव नहीं होता। अब फ्लोराइड जो है वो फ्लोराइड वाटर में कैसे आता है, वाटर में फ्लोराइड जनरली ग्राउंड के थ्रू आता है, रॉक्स के थ्रू आता है। अब फ्लोराइड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर इसलिए भी है कि फ्लोराइड जो है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, यानी जो हमारे बोन्स है, टीथ है, उनके लिए फ्लोराइड अच्छा है। अगर फ्लोराइड की क्वांटिटी अगर वाटर में ज़्यादा रहेंगी तो वो हार्मफुल, अगर फ्लोराइड की क्वांटिटी वाटर में अगर कम रहेंगी तो फिर वो भी हार्मफुल है।
क्लोराइड की वाटर क्वांटिटी अगर वाटर में कम है, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, तो उसका इफेक्ट हमारे बोन्स पे, टीथ पे होता है, डेंटल फ्लोरेसिस हो सकता है और अगर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है तो उस समय भी हमारे बॉडी पे यानी टीथ और बोन पे हम उसका इफेक्ट होता है। इसीलिए फ्लोरिडेशन और डिफ्लोरिडेशन किया जाता है, यानी कि जो फ्लोराइड की जो क्वांटिटी और फ्लोराइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.5 से 1 या 0.5 से 1.5 के बीच मिलीग्राम पर लीटर, इसके बीच में हमें क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड मेंटेन करना पड़ता है। अगर वाटर में फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर वाटर में फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम है तो उस समय क्या करना है, हमें फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है ना, फ्लोराइड ऐड करना है, उसे क्या कहा जाएगा, फ्लोरिडेशन प्रोसेस कहा जाएगा। जैसे क्लोरीन ऐड करते करते हैं हम उसे क्लोरिनेशन कहते हैं, कोगुलेंट ऐड करते उसे कोगुलेशन कहते हैं, फ्लोराइड ऐड करते उसे हम फ्लोरिडेशन बोलते हैं। अब अगर 0.5 अगर वाटर में जो फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1.5 से ज्यादा है, अगर 1.5 से अगर वाटर का फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में ज्यादा है तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वाटर में का जो फ्लोराइड कंटेंट है वो एक्सेस फ्लोराइड कंटेंट को हमें रिमूव करना पड़ेगा। उसके मेथड्स है, डिफ्लोरिडेशन के मेथड्स है, एडसॉर्प्शन, डिमिनरलाइजेशन, ऐसे डिफरेंट मेथड्स है। तो उस मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम वाटर का जो फ्लोराइड है वो कम करते हैं, तो वो वाटर के फ्लोराइड को कम करने की प्रोसेस कहा जाएगा डिफ्लोरिडेशन। इधर जो डिफ्लोरिडेशन बताया है, लेकिन डिफ्लोरिडेशन या डिमिनरलाइजेशन भी रहता है। यहाँ पे जो सभी ट्रीटमेंट हो गई है, वाटर में के डिसॉल्व सॉलिड्स भी रिमूव हो गए। और एक पॉइंट रह गया कि अगर वाटर जो रॉ वाटर है हमारा, अगर वो रॉ वाटर में टीडीएस टोटल डिसॉल्व सॉलिड, अगर रॉ वाटर में टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स का अगर परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो उस समय में क्या करना पड़ेगा कि जो टीडीएस रिमूवल करना पड़ेगा, यानी अगर टीडीएस की वैल्यू 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है तो उस समय क्या करना पड़ता है, हमें टीडीएस जो है वाटर में से वाटर सैंपल में का रिमूव करना पड़ता है। अब वो टीडीएस रिमूवल करने के लिए टीडीएस रिमूवल मैकेनिज्म में टीडीएस रिमूवल इक्विपमेंट रहता है, या फिर आयन एक्सचेंज यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे हार्डनेस रिमूव हो सके, या फिर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर डी मिनरलाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे टीडीएस जो वाटर में का रिमूव होता है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, वाटर को ट्रीट कर सकते हैं रॉ वाटर से ट्रीटेड वाटर या रॉ वाटर से पोटेबल वाटर बनाने के लिए। तो इतने सारे ट्रीटमेंट यूनिट जो है वो जनरली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसके बाद में जो एक सैंपल रहता है, ठीक है, अभी सैंपल में वाटर स्टोर होता है, उसके बाद में वाटर क्या किया जाता है, लिफ्ट करके एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर जो है, ESR बोलते हैं उसे, एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर में क्या किया जाता है, वो स्टोर किया जाता है वाटर में, एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर में स्टोर किया जाता है। उसके बाद में वाटर जो है वो कंज्यूमर्स तक क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिपेंडिंग कौन से टाइप का सप्लाई है। जनरली दो टाइप के सप्लाई रहते हैं, इंटरमीडिएट सप्लाई बोलते हैं और कंटिन्यूस सप्लाई बोलते हैं। इंटरमीडिएट सप्लाई में क्या किया जाता है, इंटरमीडिएट सप्लाई में वाटर का जो सप्लाई है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही किया जाता है। सपोज दिन में सुबह 8 से 12 बजे तक आएगा, शाम को 4 से 7 बजे तक आएंगे। ये क्या हो कि यहाँ क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही सप्लाई कर रही है, इसे इंटरमीडिएट सप्लाई कहा जाता है। और एक रहता है कंटिन्यूस वाटर सप्लाई, ने 24/7 वाटर जो है वो सप्लाई करना ही पड़ता है कंज्यूमर्स तक। तो ये दो टाइप के वाटर सप्लाई, ये डिटेल में हम लास्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लास्ट मिनट में देखेंगे, इसलिए मैं इधर ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, तो ये था ओवरव्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का फ्लो चार्ट का। तो अब इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेशन एंड प्रोसेस। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ऑपरेशन प्रोसेस क्या है, ऑपरेशन कौन से ट्रीटमेंट यूनिट को ऑपरेशन बोलेंगे, कौन से ट्रीटमेंट यूनिट को प्रोसेस बोलेंगे, वो हम देखेंगे। यूनिट ऑपरेशन, यूनिट ऑपरेशन क्या है, इन्वॉल्व फिजिकल चेंज सच एज सेपरेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, एडसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। सिंपल वे में बताऊंगा आपको कि यूनिट ऑपरेशन क्या है, कि ऐसे ट्रीटमेंट यूनिट जहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, ऐसे ट्रीटमेंट यूनिट जहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, फिजिकल पैरामीटर्स इन्वॉल्व है। फिजिकल पैरामीटर फॉर एग्जाम्पल फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, या सेपरेशन फोर्स आ गया, इधर सेपरेशन, उसके बाद में सेडिमेंटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, तो इधर फोर्स आ गया, फिर फिल्ट्रेशन में मैकेनिकल स्ट्रेनिंग आ गया, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। ये ऑपरेशन में हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, मैकेनिकल क्वांटिटी है, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी है। एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना, एड्सॉर्प्शन थोरली फिनोमेना, ये सभी क्या है, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है हर जगह, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन यानी जहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है वो है हमारे
यूनिट ऑपरेशन। उसके बाद में अब फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने ट्रीटमेंट यूनिट्स देखे अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, उसमें से कौन सा ट्रीटमेंट ऑफ उसमें से कौन सा यूनिट ऑपरेशन है और कौन सा प्रोसेस है वो देखेंगे। तो पहला है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग जो है वो इधर भी फिजिकल सेपरेशन होता है, इसलिए ये भी क्या है यूनिट ऑपरेशन है। देन लोकुलेशन। अब लोकुलेशन में आप बोलेंगे कि केमिकल्स ऐड किए गए, तो वो तो केमिकल्स ऐड किए, फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है सिर्फ फिजिकल पैरामीटर्स इन्वॉल्व है। लेकिन इधर देखिए कोगुलेशन में केमिकल्स ऐड करते, फ्लोकुलेशन में केमिकल्स ऐड नहीं करते, यही डिफरेंस याद रखना। कोगुलेशन में केमिकल्स ऐड करते, फ्लोकुलेशन में नहीं। फ्लोकुलेशन में क्या होता है कि जो स्मॉलर स्मॉलर साइज के पार्टिकल है वो स्मॉलर स्मॉलर साइज के पार्टिकल को स्लोली रोटेट करके हमें फोर्स प्रोवाइड करके यानी एजिटेशन प्रोवाइड करके हम नज़दीक लाते हैं, नज़दीक लाने पर अट्रैक्ट करके अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू क्या करते हैं हम उसे और लार्जर साइज का पार्टिकल फॉर्म करते हैं। तो इधर भी क्या साइज आ रही है, साइज क्या है फिजिकल क्वान्टिटी है, इसलिए फ्लोकुलेशन क्या है, फ्लोकुलेशन भी है यूनिट ऑपरेशन है। उसके बाद में प्लेन सेडिमेंटेशन, दो टाइप के सेडिमेंटेशन देते हैं, एक प्लेन और एक केमिकल असिस्टेड सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन में कोई भी केमिकल से ऐड नहीं ना करके सेडिमेंटेशन किया जाता है, उसे हम प्लेन सेडिमेंटेशन कहते हैं इसी। और वो प्योरली क्या होता है, वो ग्रेविटी के थ्रू ही सेडिमेंटेशन होता है, तो इसलिए हम इसे भी यूनिट ऑपरेशन ही कहेंगे। देन एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में टेस्ट और ओडर जो है वाटर की इम्प्रूव करने के लिए, वाटर की जो टेस्ट और ऑर्डर है वो इम्प्रूव करने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी क्या है एडसॉर्प्शन है सरफेस फिनोमेना, इसलिए ये भी क्या है यूनिट ऑपरेशन है। देन सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर में मैकेनिकल स्ट्रेनिंग सीवी जैसा क्या होता है रिमूवल होता है सस्पेंडेड सॉलिड का इनर्शियल इंपैक्शन के थ्रू भी होता है, सेडिमेंटेशन के थ्रू भी होता है, डिफरेंट मैकेनिज्म और बाद में डिटेल में देखे हैं। तो ये भी क्या है यूनिट ऑपरेशन है। देन यूनिट प्रोसेसेस। अब यूनिट प्रोसेसेस में क्या, अब यूनिट प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन सच एज न्यूट्रलाइजेशन प्रोग्रेशन। जैसे फिजिकल यूनिट ऑपरेशन में फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व थी, यूनिट प्रोसेसेस में केमिकल्स इन्वॉल्व है, यानी जहाँ जहाँ केमिकल एडिशन केमिकल रिएक्शन है तो सभी के आने वाले आपकी केमिकल सॉरी वो सभी के आने वाले यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेसेस आने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है। केमिकल सेडिमेंटेशन, यहाँ पे जाके सेडिमेंटेशन कर रहे हैं केमिकल्स ऐड करके रही कर रहे हैं उसे केमिकल सेडिमेंटेशन कहा जाएगा, यूनिट ऑपरेशन है। एरेशन। एरेशन में कहा क्या किया जाता है कि जो वाटर है वो एरेशन में जो वाटर दो एक मेन पार्ट जो है वो मेन पार्ट वाटर प्लांट के फ्लो चार्ट में रह गया, वो इसके बाद ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो एरेशन है वो एरेशन प्रोवाइड किया जाता है कि वाटर में के जो डिजॉल्व गैसेस है, वाटर में के जो डिजॉल्व गैसेस है वो डिजॉल्व गैसेस को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है एरेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब वाटर में के डिजॉल्व गैसेस है वो डिजॉल्व गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फर ये क्या करते हैं ओडर प्रोड्यूस करते हैं और बैड टेस्ट क्रिएट करते हैं। उस वजह से एरेशन करने की बात क्या होती है कि ऑक्सीजन एरेशन क्या है, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड और सिंपली इट इज द एडिशन ऑफ डिजायरेबल गैसेज एंड द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज। तो एरेशन प्रोसेस में वही क्या होता है कि इधर क्या हो रहा है कि गैसेज जो है गैसेज का केमिकल बॉन्डिंग है केमिकल नेचर के, तो इसलिए गैसेज का एडिशन और रिमूवल होता है, तो इसलिए ये क्या यूनिक प्रोसेस है। देन डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में क्या होगा क्लोरिनेशन ओजोनेशन। क्लोरिनेशन क्या है केमिकल ऐड कर रहे हैं, तो ओजोनेशन में उठी से हम क्या कर रहे हैं तीनों करो, तो डिसइंफेक्शन क्या आ गया यूनिट ऑपरेशन। और एक डिसइंफेक्शन में डिसइंफेक्शन यूनिट प्रोसेस में भी आ सकता है अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे तो। फिर क्लोरिनेशन डीक्लोरिनेशन इसमें भी केमिकल प्रोसेस है इसलिए भी यूनिट प्रोसेस है। फिर वाटर सॉफ्टनिंग जैसे कि केमिकल ऐड करें सोडा लाइम पर से ऐड किया या सोडा ऐड किया लाइम ऐड किया, तो उस समय भी क्या है ये यूनिट प्रोसेस है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के फ्लो चार्ट फॉर डिफरेंट सोर्सेज के पहले एक बार फिर से मैं आपको WTP का जो फ्लो चार्ट है या हमने जो WTP का फ्लो चार्ट है इसमें मैंने आपको एक ही ट्रीटमेंट में बताने का रहा है, इसलिए क्योंकि मुझे इंटरनेट पर अच्छी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का फ्लो चार्ट मिला नहीं इसलिए मैंने ये इक्वायर किया ये पे से लिया। तो अब जैसे इधर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मेन कंपोनेंट भी रहता है जिसे हम एरेशन कहते हैं, वो एरेशन रहता है स्क्रीनिंग के बाद या फिर प्री क्लोरिनेशन के बाद। यहाँ पर क्या रहता है एरेशन यूनिट क्या रहता है प्रोवाइड किया जाता है। एरेशन यूनिट क्या रहता है कि वाटर का जो कॉन्टैक्ट है वो वाटर का कॉन्टैक्ट एयर से बढ़ा दिया जाता है। वाटर का कॉन्टैक्ट एयर से क्यों बढ़ा दिया जाता है, अगर वाटर का कॉन्टैक्ट एयर से हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा कि
जो वाटर में का जो ऑक्सीजन की लेवल है वो ऑक्सीजन की लेवल इंक्रीज, एयर में का ऑक्सीजन वाटर में जाएगा, और जो अनडिजायरेबल गैसेस है, जो गैसेस के वजह से ओडर और टेस्ट बैड टेस्ट क्रिएट होंगी, वो भी रिमूव होते हैं। तो वो भी क्या किया जाता है, इधर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि H2S गैस है, H2S गैस क्या रोटन एग्स की जैसे स्मेल क्रिएट करता है, तो H2S गैस अगर रिमूव हो गया तो उस वजह से क्या होता है कि जो बैड ओडर है, खराब जो स्मेल है, वो खराब स्मेल आएंगे नहीं। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी ओडर टेस्ट का प्रॉब्लम, तो वो भी क्या हो जाएगा रिमूव। इसलिए एरेशन क्या किया जाता है, इधर एरेशन प्रोवाइड किया जाता है। एरेशन में सिंपली जैसे कि इसका एग्जाम्पल देता आपको, क्या फिश पॉन्ड होगा घर में आपने, कहीं भी फिश पॉइंट देखा रहेगा, उधर क्या किया जाता है कि एरेशन प्रोवाइड किया जाता है। बबल्स जो रहते हैं एयर ब्लोअर्स के थ्रू, क्या कहते हैं, बाहर की एयर वाटर के अंदर, वो टैंक के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। जो बबल्स क्रिएट होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर की एयर वाटर टैंक में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि क्योंकि जो एक्वेटिक लाइफ रहती है वो एक्वेटिक लाइफ एयर में तो ऑक्सीजन ले नहीं सकते, उनको चाहिए रहता है कि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन। इसलिए वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन के पावर फेलियर की वजह से डिसकनेक्ट हो गया था। इसलिए इधर एक, फिर भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ, इधर एक ट्रीटमेंट यूनिट ऐड करना पड़ेगा जो है एरेशन, और उसका जो फंक्शन है एरेशन का फंक्शन एक ही है, टू रिमूव अनडिजायरेबल गैसेस फ्रॉम द वाटर एंड टू ऐड डिजायरेबल गैसेस इन वाटर। डिजायरेबल गैसेस में ऑक्सीजन आएगा और अनडिजायरेबल गैसेस में H2O आएगा, CO2 आएगा, और एक फंक्शन है उसका कि जो मेटल्स रहते हैं जैसे आयन एंड मैंगनीज, ये भी रिमूव होते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो वो भी एक फंक्शन है एरेशन का। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के फ्लो चार्ट देखते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के फ्लो चार्ट फॉर डिफरेंसेस अभी तक देखते हैं। सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर के इधर इन्होंने क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक स्टोरेज और उसके बाद में क्लोरिनेशन है। वाटर क्लियर है, क्वालिटी अच्छी है, तो ये दो ट्रीटमेंट इन्होंने भी प्रोवाइड करे तो चलेगा। या फिर इन्होंने इधर यही दो इन्होंने इसीलिए प्रोवाइड किए होंगे कि वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट प्रोवाइड करने के लिए सफिशियंट फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे, इकोनॉमिक नहीं होंगे, या फिर अदर फैक्टर्स होंगे जहाँ पे भी ट्रीटमेंट प्लांट प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए इधर इन्होंने एक ही ट्रीटमेंट दे दी, वो है सिर्फ क्लोरिनेशन। फिर उसके बाद में ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में अगर हमारा बोरवेल का वाटर है वो, या फिर ओपन वेल का वाटर, तो उसे हम क्या करते हैं, स्टोरेज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बोरवेल वेल में स्टोर हो रहा है ये वाटर। इसे सिर्फ हम क्या प्रोवाइड करते हैं, क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन की जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं या फिर डिसइंफेक्शन करते हैं। उसके बाद में ग्राउंड वाटर, अगर ग्राउंड वाटर नहीं ना, तो ग्राउंड वाटर में इधर इन्होंने सभी ट्रीटमेंट इन्हें प्रोवाइड किए गए। पहले जो ग्राउंड वाटर देखा हमने उसमें एक ही ट्रीटमेंट दिया, सिर्फ क्लोरिनेशन। अभी तक देखिए, 3 एरेशन प्रोवाइड किया गया, 4 रैपिड मिक्सर मंजिस यानी कि कोएगुलेशन प्रोवाइड किया गया, 5 स्लो मिक्सिंग यानी कि फ्लोकुलेशन प्रोवाइड किया गया, फिर उसके बाद में 6 सेडिमेंटेशन प्रोवाइड किया गया, फिर उसके बाद में सैंड, 8 सैंड फिल्ट्रेशन प्रोवाइड किया गया, एंड देन क्लोरिनेशन प्रोवाइड किया। सभी ट्रीटमेंट यूनिट प्रोवाइड किए ग्राउंड वाटर रहने के बाद भी, जरूरत नहीं इतने सभी ट्रीटमेंट यूनिट प्रोवाइड करने के, लेकिन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये फ्लो चार्ट हो सकता है। सरफेस वाटर, सरफेस वाटर में ही अगर हमने सिर्फ सेडिमेंटेशन प्रोवाइड किया लार्जर सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए, और उसके बाद में स्लो सैंड फिल्टर प्रोवाइड किया, जनरली विलेजेस में जहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट हाई नहीं रहती, वहाँ वो जगह पे हम स्लो सैंड फिल्टर क्या करते हैं, जनरली प्रोवाइड करते हैं। तो वो स्लो सैंड फिल्टर प्रोवाइड किया गया। उसके बाद में लास्ट जो है वो 10 क्लोरिनेशन प्रोवाइड किया गया है, क्लोरिनेशन में प्रोवाइड किया, इतना भी प्रोवाइड करे तो भी सफिशियंट है। लेकिन ऐसे विलेजेस में पॉसिबिलिटी वहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट हाई नहीं रहती, क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर से जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रहता है वो कम रहता है, और क्वांटिटी ऑफ वाटर ट्रीट भी कम होती है ज़्यादा टाइम में। इसलिए विलेजेस और रूरल एरिया में ही प्रोवाइड कर सकते हैं हम। देन सरफेस वाटर में जो हमने अभी ट्रीटमेंट प्लान देखा उसका ही फ्लो चार्ट है। पहले दो प्री क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन प्री, फिर उसके बाद में 3rd एरेशन, जैसे मैंने देखा, 4th रैपिड मिक्सर, 5 स्लो मिक्सिंग, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, देन फिल्ट्रेशन एंड देन क्लोरिनेशन, जो हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिटेल में देखा उसका फ्लो चार्ट है। देन सरफेस वाटर, सरफेस वाटर है, तो सरफेस वाटर में जो है सरफेस वाटर हमने कौन कौन से ट्रीटमेंट देखे, रैपिड मिक्सिंग एंड कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, ये तीन प्रोवाइड किया, रैपिड सैंड फिल्टर में प्रोवाइड किया। तो ट्रीटमेंट यूनिट में उधर सिंपली सेडिमेंटेशन प्रोवाइड करना इजी, एक टैंक रहता है उसमें केमिकल डाल दो, सेडिमेंटेशन कर दो,
हो गया और उसके बाद में क्लोरिनेशन कर दो, तो इसलिए सिंपल है। बाकी ट्रीटमेंट इन्होंने प्रोवाइड किया, ये भी वहीं जहाँ पे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे ये सिंपली टेम्पररी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देन ये एक एक्सरसाइज आपके लिए कि कौन से इधर नाइन नंबर में सॉफ्टनिंग प्रोवाइड किया गया है, एट में रैपिड साइन फिल्ट्रेशन प्रोवाइड किया, और 10 जो है वो क्लोरिनेशन प्रोवाइड किया है, और उसके बाद में जो है वो सेडिमेंटेशन में ये है रैपिड साइन फिल्ट्रेशन, 10 वाटर सॉफ्टनिंग एंड देन 10 क्लोरिनेशन एंड देन डीमिनरलाइजेशन। ये दो फ्लो चार्ट जो है, ये दो फ्लो चार्ट कौन से वाटर को प्रोवाइड किए गए ये बताया नहीं गया, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये होमवर्क है कि कौन से वाटर के लिए ये ट्रीटमेंट यूनिट प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर है, सर्फेस वाटर है, या फिर अलग कोई वाटर है जो उसके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका कमेंट में लिखो, ठीक है, कि कौन से ट्रीटमेंट वाटर के लिए जी, कौन से वाटर सोर्स ऑफ वाटर के लिए ट्रीटमेंट फ्लो चार्ट है, और एच कौन से वाटर के लिए ट्रीटमेंट फ्लो चार्ट है। ओके, थैंक यू।